पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड, पहला वनडे मैच, वेदर कैसा होगा? जी हाँ, ये सबसे अहम क्वेश्चन है क्योंकि दूसरा प्रैक्टिस मैच भी बारिश की वजह से डिले कर दिया गया। यानी इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं इंग्लैंड के अंदर, क्या ओडीआई सीरीज़ या टी20 सीरीज़ हो पाएगी फुल कंप्लीट? आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, स्केड्यूल कुछ ऐसे है कि ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ 8 जुलाई को होगा, जहाँ पहला मैच 8 जुलाई को, दूसरा 10 जुलाई को और तीसरा 13 जुलाई को। यानी 3 दिन ये होंगे, यानी 8 जुलाई, 10 जुलाई और 13 जुलाई, ये 3 ओडीआई मैचेस होंगे। फिर टी20 सीरीज़ का आगाज़ होगा, जहाँ 16 जुलाई को पहला टी20 मैच, 18 जुलाई को दूसरा, 20 जुलाई को तीसरा। यानी 16, 18, 20, ये 3 टी20 मैचेस हैं। अब ये तकरीबन 10-12 दिन बनते हैं, इन्हीं के दरमियान ये सीरीज़ होगी। सो अब अगर देखा जाए कि वेदर कैसा है, सो आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इंग्लैंड का वेदर इंतहाई डिफ़िकल्ट है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि जितने भी ऐप्स या जितने भी यूज़ होते हैं मेथड्स प्रिडिक्ट करने के लिए इंग्लैंड का वेदर, वो मोस्टली 60-70% गलत साबित होते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम वहाँ का वेदर चेंज हो जाता है। सो आजकल वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि बारिशें स्टार्ट हैं और नेक्स्ट अगले भी एक हफ्ता पूरा बारिशें। सो जो 8 को पहला जब मैच है उसका अगर वेदर देखा जाए तो 50-50% है, यानी 50% रेन के चांसेस हैं कि हो सकती है। सो ये थोड़ी सैड न्यूज़ है कि अब आधे चांसेस हैं भी और आधे चांसेस नहीं भी हैं, मगर गुड न्यूज़ इस लिहाज से है कि वहाँ का वेदर किसी वक्त भी चेंज हो सकता है। जो 50% चांसेस हैं रेन के, वो 10% भी हो सकते हैं किसी टाइम भी चेंज हो के, और 50 से 100% भी हो सकते हैं कि बारिश स्टार्ट हो सकती है। सो बहुत ही मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, स्पेशली इंग्लिश कंडीशंस का वेदर, मगर उम्मीद यही करते हैं कि सीरीज़ कंप्लीट हो ताकि मज़ा आए।